हेलो फ्रेंड, टेक्निकल किंग में आपका स्वागत है। आज का इस एपिसोड में हम सीखेंगे वीडियो रीडल बनाना और बोलेंगे कॉल आउट्स का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ एक वीडियो रीडल का। तो वो बेसिकली एक इमेज है, तो इमेज को इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इस इमेज में क्या, ये इमेज है जैसे है, इसमें 6 वर्ड्स छुपे हुए हैं, तो वो आपको फाइंड करना है। तो इसका वीडियो अगर आप बना रहे तो सबसे पहले आप इमेज को यहाँ पे डाल देते हैं। अभी क्या करना है, अभी एक टाइमर आपको चलना चाहिए, या तो रुके एक हेडिंग भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ दिस वन हेडिंग। तो ये हेडिंग में यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि फाइंड वर्ड्स। इसको बड़ा करके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 120। अच्छा, ये फिक्स हो गया है। अब इसको पूरा सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देते सेंटर की ओर। हाँ, ये हो गया हम लोगों का। इसको रखेंगे कितना, 4 सेकंड तक। तो यहाँ पे जैसे सेकंड देख पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम आपको 4 सेकंड में ही आपको सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जूम करेंगे, ऐसा जूम करेंगे, जूम करेंगे, जूम करेंगे। अभी आप आराम से इसको खिसकाएंगे तो पूरा 4:30 है, थोड़ा सा सेट करके ये देखिए एकदम 4 सेकंड तक आप कर सकते हैं। अब इसको उठा के यहाँ से 4 सेकंड तक आपको बस ले लेना है, तो एकदम 4 सेकंड का आएगा। तो ये आप कर सकते हैं जब आपको एकदम परफेक्ट वीडियो बनाना है। तो अभी मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही रेंडमली सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये हम लोगों का हो गया फाइंड वर्ड। यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, या तो कि जैसे लिखेंगे कि विद इन 5 सेकंड पर वर्ड। इसको थोड़ा सा ऐसा करके पहले इसको बड़ा कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं। हाँ, ये हम लोग का हो गया डन। अभी आपको क्या करना है, पूरा का पूरा को उठा के सेंटर में कर देते हैं। हाँ, ये हो गया सेंटर में, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 4 सेकंड तक ये वीडियो डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने पूरा टेक्स्ट उस पर कवर कर दिया है। अभी हम यहाँ पर टाइमर चलाएंगे। तो टाइमर चलाने के लिए आप छोटा छोटा मतलब टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, जैसे 5, 4, 3। और सिंपल अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप यहाँ पर करिए टाइपराइटर। टाइपराइटर को क्या करेंगे, आप यहाँ से बस इसको यहाँ ड्रैग करके यहाँ रख दीजिए। इसका जो ड्यूरेशन है वो आपको 5 सेकंड तक करना है। जैसे हमको पता 4 सेकंड यहाँ चालू होता है, तो हमारा एंड कितने सेकंड में होना चाहिए, 9 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा और स्ट्रेट करके हम आ गए 9 में। एक तक के लिए आप थोड़ा सा जूम करिए इसको, और ये आ गया हम लोगों का 9। आप इसमें लिखना क्या है, आपको लिखना है जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1, 0। कंट्रोल ए कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे करेंगे कूपर ब्लैक लिख लेते हैं, जो अच्छा रहेगा। एक कूपर ब्लैक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं, और ये वाइट दिख नहीं रहा तो हम लोग इस कलर को ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक कलर दिखेगा हमको अच्छे से। ये सब थोड़ा सा विजिबल है। जूम करना तो जूम भी कर सकते हैं, बट मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ। उसके बाद आपको उसको दिखाना है कि ये वर्ड यहाँ पे था, तो उस चीज़ के लिए आप यूज़ करेंगे कॉल आउट, ठीक है। कॉल आउट या स्टिकर का भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे बहुत सारे स्टिकर भी है, या तो आपको मतलब स्माइली वाला अगर पुट करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूँ नॉर्मली हम लोग कॉल आउट यूज़ करते हैं। जैसे कॉल आउट बहुत सारे स्क्वेयर से आपको मतलब दिखाना चाहते हैं, तो ओवल बनाना चाहते हैं, यहाँ पर ओवल करेंगे, एरो है, क्रॉस है, बहुत सारा आइटम है। अभी जैसे आपको दिखाना है, मैं ये राउंड ले लेता हूँ ये वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस ड्रैग कर लेना है। ये आ गया, अभी हमको दिखाएंगे इसको 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में आपको दिखाना, तो यहाँ पर ड्यूरेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं 2 कर दिया, तो 2 सेकंड का हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको फाइन एडजस्टमेंट के लिए इसको थोड़ा पिन आउट कर लेते हैं हम लोग प्लेयर को, इसको जूम कर लेते हैं। अभी अच्छे से हम लोग एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा एंगल दे देते हैं, साइज छोटा कर देते हैं, और ये स्टोरी हम लोगों का एक वर्ड यहाँ पर छुपा हुआ था, तो व्यूअर को दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा हम लोग कर सकते हैं। देन इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर लेते हैं, तो व्यूअर को तुरंत से सर्कल आ जाएगा 5 सेकंड के बाद। ये हो गया डन। अभी फिर से इसको यहाँ से अनपिन कर लेते, सॉरी पिन कर देते प्लेयर को। अभी आप वीडियो यहाँ पे देख, और एक चीज़ करना मैं भूल गया, यहाँ पे जो ये था इसमें आप करेंगे पूरा यहाँ पे 0, तो क्या होगा, पूरा 5 सेकंड लेगा ये सब होने में। अभी आप मान लीजिए यहाँ से प्ले करते हैं,
ये इसको भी थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर देते हैं, ये भी मैं स्लो किया हुआ था फास्ट। तो यहाँ पे जैसे प्ले हो गया, तो इसमें बोला फाइंड वर्ड विद इन 5 सेकंड पर वर्ड। अब ये 5 सेकंड चल रहा है, 4 टिक टिक 3 टिक टिक 2 टिक टिक 1 टिक टिक 0 बूम। तो यहाँ पे बताएगा ये हम लोग स्टोरी यहाँ पे छुपा हुआ था। सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ये दोनों चीज को कॉपी कर लेते हैं और क्या करेंगे, दोनों चीज को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया उसके बाद ये कॉल आउट जो है इसको आपको क्या डबल क्लिक करना है, फिर आप उसको करेंगे थोड़ा सा स्लाइड, जैसे अभी नोवेल यहाँ पे बन रहा हुआ है तो इसको थोड़ा लंबा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं नोवेल। अब दूसरा वर्ड ये है, इसको मैं मान लीजिए लाल कलर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रेड कलर कर सकता हूँ, या मान लीजिए ब्लू कलर तो ब्लू कलर। अब आप ये इसको मान लीजिए प्ले करते हैं यहाँ पे, तो ये दिखाएगा यहाँ पे आ गया, अभी से टाइमर चला गया, फिर ये टाइमर आ गया अभी दूसरा वर्ड के लिए 3 2 1 0, तो वो दूसरा वर्ड नोवेल था। तो ऐसा करके आप पूरा रिडल वीडियो बना सकते हैं, पजल वीडियो बना सकते हैं। हम लोगों ने ओवल यूज़ किया था, आप चाहे तो एरो कर सकते हैं कि आप एरो यहाँ पे बस ड्रैग कर दीजिए, डबल क्लिक करिए और यहाँ पे एरो आ गया। कलर अभी मैं थोड़ा इसका ब्लैक कर देता हूँ, आपको दिखेगा, या आपको दिखाना है कि हाँ मेरे को जैसे पेज यहाँ पे है तो इसको क्या थोड़ा सा सेट करेंगे, इसको मान लीजिए छोटा करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा करके एरो रख देंगे तो बंदो लोगों को पता चलेगा, व्यूअर्स को, कि हाँ पेज हम लोगों का यहाँ पे है इस टाइप। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस यही सीखना था कैसे वीडियो रिडल बनाते हैं और कैसे कॉल आउट्स का यूज करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।